इस देश को ब्लेस करें, इकोनॉमी को ब्लेस करें, बरकत दे, ताकत दे, आगे लेके जाए, सुरक्षित रखे हमारे जवानों को। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। याद रखो जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा कि अपने लोगों के प्रधान को बुरा मत कहना। हाथ को उठाकर मोदी जी के लिए प्रार्थना करेंगे। खुदावंद उन्हें अच्छी सेहत दे, प्रार्थना करेंगे सब पॉलिटिशियंस के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, सबको जय मसी की। आइए हम आज की एक और नई वीडियो को देखते हैं। और इस वीडियो के टॉपिक को आप लोगों ने सुन ही लिया होगा कि जो कि हमारे स्पिरिचुअल फादर हैं पास्टर अंकल यूसुफ नोला जी, वो इंडिया के लिए हमारी सरकार के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और पूरी चर्च कलीसिया खंबरा चर्च सरकार के लिए, इंडिया के लिए, और जो सरहद पर हमारे लिए जो जॉब कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उन फौजी भाइयों के लिए हमारे स्पिरिचुअल फादर ने और पूरी खंबरा चर्च ने मिलकर प्रार्थना की। हालेलुया। और आपने वीडियो में भी सुना होगा कि हमारे जो स्पिरिचुअल फादर हैं वो बता रहे हैं कि हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है, बाइबल के अकॉर्डिंग हम अपनी सरकार के लिए प्रार्थना करेंगे। और बाइबल जैसे हमें बताती है कि अपने प्रधानों का, अपने चुने हुओं का, जो हमने सरकार चुनी हुई है उनके लिए हमें प्रार्थना करनी ज़रूरी है, उनके उनके साथ होना हमें ज़रूरी है, ना कि उनको उनके खिलाफ होना, ना कि उनके खिलाफ कोई गलत बातें बनाना। हालेलुया। बाइबल के अकॉर्डिंग बाइबल भी कहती है कि अपने प्रधानों का आदर करो, इज्जत करो और ऑनर करो। वैसे ही हमारे स्पिरिचुअल फादर जी ने भी हमें कलीसिया को ये समझाते हुए कहा है कि हमारा फ़र्ज है कि हम अपने देश की सरकार के लिए प्रार्थना करें, हम अपने देश के उन फौजी भाइयों के लिए प्रार्थना करें वो जो दिन रात हमारे लिए ड्यूटी कर रहे हैं और सरहदों पर जाकर अपने घर बार छोड़कर हमारे लिए वहां पर रह रहे हैं। हालेलुया। जैसे कि मैंने पहली अपनी वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि कल जो कि हमारी चर्च में सरकार के कैंडिडेट आए थे वो मोदी सरकार के साथ काम कर चुके हैं और वो मोदी सरकार के साथ रह चुके हैं। वैसे हमारे स्पिरिचुअल फादर ने मोदी के लिए, मोदी सरकार के लिए और हमारे जो फौजी भाई हैं उनके लिए प्रार्थना की कि परमेश्वर इन्हें ब्लेस करे, परमेश्वर इन्हें और बढ़ाए, परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के साथ इन्हें चलाए, अपनी बुद्धि के साथ चलाए, ये हमारे पंजाब का, ये हमारे इंडिया के माहौल को ठीक कर कर रखे और कोई भी मुसीबत, कोई भी ऐसा काम हमारे सरकार, हमारे देश पर ना आए जो कि विरोधियों के खिलाफ हो। हालेलुया। और सेंटर सरकार के लिए भी हमारे स्पिरिचुअल फादर ने प्रार्थना की क्योंकि उन्होंने हमें यही सिखाया है कि बाइबल के अकॉर्डिंग हमारा फ़र्ज है कि हम अपनी सरकारों के लिए, अपने देश के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहे क्योंकि जिस देश में हमें रहना है अगर वही देश सुरक्षित ना हो तो हम इस देश में, हमारा क्या फ़ायदा इस देश में रहने का। हमारा देश सुरक्षित होना चाहिए, हमारा देश पवित्र आत्मा के चलाए चलना चाहिए, हमारी सरकारें परमेश्वर के चलाए चलनी चाहिए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष और बरकत दे। आमीन आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले।